जनता का आईना में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमने देखा था कि किस तरह से औरंगाबाद में मजदूरों पर से रेल चल गई थी और 16 मजदूर कटकर मर गए थे। उसके बाद हमें लगा था कि सरकार को थोड़ी तो शर्म आएगी और वो रेल सामान्य तौर पर चालू कर देंगे और मजदूर अपने अपने घर जा पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने किसी भी हालत में ट्रेनें आम मजदूर के लिए नहीं चालू की, बल्कि मजदूरों के जख्मों पर नमक डालते हुए उन्होंने 15 एसी ट्रेनें चालू की जो दिल्ली से दूसरे स्टेशन पे जाएगी, लेकिन यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनें जो है वो सरकार ने अभी तक शुरू नहीं की। मजदूर इतना परेशान है, वो चलकर आज भी जा रहा है, सड़कों पर मर रहा है। कल की खबर है कि एक टेम्पो में 19 लोग जा रहे थे और उसका पीछे से किसी गाड़ी ने उन्हें धक्का मार दिया और ड्राइवर मारा गया। ऐसे ही लोग जाने के लिए तड़प रहे हैं और अब तो एक नया धंधा शुरू हो गया है जिसमें मजदूरों का जो भी थोड़ा बहुत जो भी पसीने की कमाई थी वो सारी पसीने की कमाई जो है ख़त्म हो रही है। कई मजदूर तो अपने गाँव से पैसा मंगा कर ट्रकों में जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। एक ट्रक में एक मजदूर को लेके जाने के लिए 3,500 से 4,000 रुपया लिया जा रहा है और उसके बाद भी चेक नाके पे जब पुलिस पकड़ती है तो मजदूरों को आपस में पैसा जमा करके पुलिस को जो है पैसा देना पड़ता है, तभी चेक पोस्ट से उनकी गाड़ी आगे जाती है। यहाँ मुंबई के अलग अलग इलाकों से रोज़ रात को देर रात को गाड़ियाँ जा रही हैं, ट्रक भर भर के जा रहा है और एक ट्रक में 60 से 70 लोग बैठते हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं कि एक ट्रक को जाने के लिए यूपी तक करीब 2.5 लाख रुपया खर्चा होता है, जबकि एक पूरी ट्रेन अगर रेलवे ने सीधे से व्यवस्था करे तो पूरी ट्रेन जो है वो जिसमें 1200 से 1300 लोग जा सकते हैं, उस पूरी ट्रेन का किराया जो है 6.5 लाख रुपया होता है, लेकिन सरकार अपनी ट्रेन नहीं चालू कर रही है। मजदूर पैसा देने के लिए भी तैयार है और जो ट्रेनें चालू करने की बात हुई 15 ट्रेनें, वो एसी ट्रेनें हैं, वो राजधानी के बराबर का उनका टिकट है और ऐसी ट्रेनें भेजकर कुछ पैसे वालों को यहाँ से वहाँ उनके गंतव्य तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन मजदूरों की बात नहीं की जा रही है। सरकार मजदूरों के साथ कौन सा खेल खेल रही है? अभी मजदूरों का दर्द वैसा ही है, मजदूर गांव भी नहीं पहुंचे हैं और सरकार ने और एक विपत्ति जो है मजदूरों के ऊपर ला दी के सारे जो कामगारों के कानून है, लेबर लॉ है, वो पूरे चेंज करने का काम सरकार कर रही है। जहां पर 8 घंटे की ड्यूटी होती थी 12 घंटे की ड्यूटी की जा रही है। मजदूरों के सेफ्टी के सारे कानून जिनसे उनको सुरक्षा मिल सकती थी वो वापस लिए जा रहे हैं और आज इस तरह की परिस्थिति बनाई जा रही है कि कोई भी मजदूरों के हित में कानून नहीं होना चाहिए। यूपी ने तक तो यहाँ तक कर दिया है, उत्तर प्रदेश ने, कि 38 में से 35 कानून जो है वो बदली करने के लिए उन्होंने केंद्र को अर्जी दी है। एक तरफ मजदूरों को बंधक बनाया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, उनको अपने घर तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, उनको बड़े ही बेहाल रूप से चलते हुए जा रहे हैं, साइकिलें पे जा रहे हैं, कोई गाड़ी में जा रहे हैं और उसके बाद भी इस तरह की दशा करने के बाद अब सरकार ने और एक हथियार निकाला है जिससे कि मजदूरों को ख़त्म किया जाए और वो उनके लेबर कानून में, मजदूरों के कानून में बदलाव करके जो थोड़े बहुत उनको अधिकार थे वो भी ख़त्म करने का काम जो है सरकार कर रही है। बंधुआ मजदूरी की जो प्रथा थी पहले जैसे इंसानों को गुलाम बनाया जाता था और इंसानों को खरीद कर अपने पास रखा जाता था और वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, उस तरह की प्रथा थी, क्या वापस से वही प्रथा लाना चाहते हैं? क्या मजदूरों को अपने गांव जाने का अधिकार नहीं है? क्या मजदूरों को अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार नहीं है? क्या मजदूरों को सुरक्षित काम के जगह मिलने का अधिकार नहीं है? क्या मजदूरों को अपने मूलभूत सुविधाएं और अपने परिवार के लिए मूलभूत सुविधाएं लेने का अधिकार नहीं है? मजदूर को यह अधिकार नहीं है कि वो जहां जाए वहां पर काम कर सके? मजदूरों को 8 घंटा ड्यूटी मिले और सारी सुविधाएं और छुट्टियां मिले? क्या ये सारे मूलभूत अधिकार जो इंटरनेशनल लेवल पे भारत ने साइन किए थे
वो अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं। तो ये सरकार किसकी है, ये सरकार किसके लिए काम कर रही है, ये सोचने की ज़रूरत है। आज हमने बहुत सारे मजदूरों से बात की तो उन्होंने जो अपना दर्द हमें बताया वो हम आपके लिए ला रहे हैं। मिल नहीं रहा जाने के लिए, हाँ तो क्या तकलीफ है, तो अभी खड़े हैं तो 4 घंटा हो गया यहीं बैठे हैं। तो अभी आप कहाँ काम करते थे? काम करते थे सिंपलेस में, हाँ लिमिटेड, हाँ उसमें खाना पीना मिल रहा, लेकिन घर जाने का है ना। तो इधर ही रुको ना, अभी घर क्यों जा रहे हो? अरे रुक के क्या करेंगे, घर पे सब रोना पिटना मचा है। हाँ तो घर वाले सब रो रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं वो? अरे रो रहे हैं, घर आओ घर। अच्छा। आओ घर आओ। हाँ नहीं नहीं है, पैसा नहीं है, कौन देगा, कौन देगा। तो अभी आप कहाँ जाना चाहते हो? यूपी, यूपी में। कहाँ? सुल्तानपुर। तो कैसे जाओगे अभी? अभी सुनाई दे रहा है ट्रक जा रहा है, 3000 ले रहा है। हाँ उसी साधन से जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से आप कहाँ जाओगे? यहाँ से थाना जाना होगा ना, मनो थाना या कल्याण, वहीं से मिलेगा, वहीं से मिलेगा। तो ये अभी ये लॉकडाउन में इतने दिन आपको कैसा रहा फिर? अरे ऐसा इधर चल रहा था, अभी घर वाले बोले खुलेगा खुलेगा खुलेगा, अभी खुल ही नहीं रहा है तो क्या करेगा। तो ट्रेन से क्यों नहीं जा रहे हो? ट्रेन बंद है ना, अभी चालू करने वाला है बोल रहे हैं मोदी। मोदी बोल रहे हैं, मोदी ने बोल दिया ट्रेन नहीं चालू होगा ऐसा। हाँ अभी न्यूज पे बोला था। हाँ क्या करेगा, और बस भी जाएगी सरकारी तो बड़े लोग के लिए होगी ना, गरीब आदमी के लिए थोड़ी होगी। अच्छा तो अभी तो हवाई जहाज बस सब चालू करने का बात कर रहे हैं। नहीं वो बंद हो गया सर, अभी कल न्यूज में बता रहा था नहीं होगा, नहीं होगा 5 देशों में नहीं होगा। अच्छा तो ये अभी सरकार सरकार पे आपको भरोसा नहीं है? क्या भरोसा है, भरोसा अगर सरकार होता तो डाल देता, एक गाड़ी पब्लिक पैदल जा रही है मर रही है उसको पहुंचाती तो। 4 घंटे से टैक्सी रुकाओ, एक आदमी का 500 मांग रहा है, सोचो 3 आदमी बैठेगा 1500 रुपये। हाँ कहाँ से आएगा 1500 रुपये। तो आपको क्या लगता है सरकार ने ये कोरोना के टाइम पे क्या करना चाहिए था? अरे सबको पहले पहुंचाना चाहिए था ना। हाँ। एक दिन के लिए ट्रेन चालू करते, पूरा पब्लिक अपने गांव पहुंच जाती, दूसरे हाँ। दिन डाल देना था। हाँ। लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए था। हाँ। है कि नहीं, क्या करेगा सब तो परेशान है, तो 4 घंटे बैठे हैं हम लोग। हाँ। अगर टैक्सी वाले को पैसा दे देंगे तो यूपी पैदल जाएंगे, पैदल जाएंगे। बरोबर। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम है राजू। राजू है।